दोस्तों, अगर हम पिकअप ट्रक्स की बात करें तो इंडिया में जो है काफी ज्यादा पिकअप ट्रक्स का चलन है और एसयूवीज का तो बेशुमार चलन है इंडिया में। और अगर आप पिकअप ट्रक्स की बात करें तो इंडिया में सिर्फ हमें दो ही देखने को मिलेंगे जो कि कंपटीशन में है। एक जो है अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, टोयोटा का हाइलक्स, और ये जो है मेरे सामने है इसुजु का डी मैक्स। इसमें जो है काफी सारे वेरियंट्स आते हैं, बट शर्त यह है कि इसमें हमें सिर्फ डीजल ही ऑन ऑफर होता है। एक जो है दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं इसमें, जो है 2500 सीसी का इंजन मिलेगा और दूसरी जो है उसमें अलग इंजन ऑप्शन मिलता है। ये जो है आपके पास कमर्शियल के लिए होता है और दूसरा जो है प्राइवेट के लिए होता है। बाकी जो है आप जुगाड़ वगैरह इधर उधर के कर सकते हो। तो आज जानते हैं हम इस इसुजु डी मैक्स के बारे में। इसमें वेरियंट्स भी अलग अलग आते हैं। ये जो है अभी सिर्फ टॉप वेरियंट खड़ा है मेरे पास, ये कमर्शियल के लिए होता है। इसका प्राइस पॉइंट जो है वो अलग होता है और जो है प्राइवेट वाली का वो अलग होता है। तो जानते हैं हम आज इसके बारे में। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो। दोस्तों स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। फ्रंट में आपको जो है प्रोजेक्टिव सेटअप देखने मिलेगा और ये जो है प्रॉपर एलईडी का सेटअप है। यहाँ पे आपको जो है पार्किंग लैंप्स देखने को मिलेंगे और ये जो है आपके पास डीआरएस देखने को मिलेंगे। हाई बीम लो बीम दोनों इसी में। यहाँ पे आपको इंडिकेटर नजर आते हैं और यहाँ पे आपको हेलोजन वाले फॉग लैंप देखने को मिलेंगे। ये जो है आपके पास पूरा का पूरा एलईडी सेटअप नजर आता है और ये जो है आपके पास बल्ब बेस्ड इंडिकेटर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपके पास रिफ्लेक्टर्स नजर आएंगे और ये भी जो है आपके पास रिफ्लेक्टर्स हैं। और अगर एक बार फ्रंट फेसिया दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का नजर आता है। अच्छी खासी चौड़ी लगती है। चौड़ाई की बात करूं तो लगभग 1860 mm की इसमें हमें चौड़ाई देखने को मिलती है। फ्रंट में जो है सुजु लिखा गया है काफी बड़ा था और ये जो है पूरा का पूरा पार्ट क्रोम का हमें नजर आता है। नीचे जो है हमें एक ग्रिल नजर आती है और उसके नीचे भी एक स्प्लिट में ग्रिल नजर आती है। यहाँ पे जो है एक रिफ्लेक्टर टेप लगाई गई है पूरे में। यहाँ पे जो है आपके पास नंबर प्लेट की जगह आ जाती है और ऐसा कुछ भी नहीं है हमें फ्रंट में। साइड से दिखाता हूँ, लेंथ की बात करें तो लेंथ भी इसकी काफी ज्यादा है। लगभग जो है 5 to 9.5 इसमें हमें एमएम की लेंथ देखने को मिलेगी और व्हील बेस भी काफी ज्यादा, लगभग 3000 mm का व्हील बेस देखने को मिले। टायर साइज पे नजर डालें तो थोड़ा सा आपको अलग देखने को मिलेगा नॉर्मल गाड़ियों से। 205 R16 का है इसका। हालांकि ये एस्पेक्ट रेशियो इसमें बताया नहीं गया और यहाँ पे ना ही मुझे कहीं दिख रहा है। 16 इंच के टायर है और 205 जो है ऐसे में आपको सस्पेंशन कुछ यहाँ पे है। फेंडर लाइनिंग अच्छी खासी नजर आती है जिसकी वजह से इंसुलेशन और ज्यादा बढ़ जाती है। ओवर बीम्स जो है आपको इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल तो मिलते हैं लेकिन ऑटोमेटिकली फोल्डेबल नहीं मिलते। इंडिकेटर्स में वो यहीं पे मिल जाते हैं और ये जो है क्रोम में नजर आते हैं। साइड स्टेप नजर आएगा आपको। डोर हैंडल्स जो है वो भी आपको क्रोम में नजर आएंगे। रूफ रेल्स आ जाती हैं जो कि सिल्वर कलर में, और काफी बड़ी ऊंची एसयूवी ये नजर आती है। और यहाँ पे जो है आपके पास पीछे वाला कंपार्टमेंट नजर आएगा। यहाँ पे जो है ग्लास भी आपको नजर आता है जिससे कि अच्छी खासी लाइट अंदर जाती है। एक शार्क फिन एंटीना है। यहाँ पे आपके पास हाई माउंट स्टॉप लैंप नजर आएगा और पीछे जो है आपके पास कुछ इस तरीके का सस्पेंशन सेटअप नजर आएगा। फेंडर लाइनिंग जो है हमें पीछे भी नजर आती है। डिफरेंशियल है, हालांकि ये जो है टू व्हील ड्राइव है, रियर व्हील ड्राइव में टू व्हील ड्राइव गाड़ी है। इसुजु लिखा गया है बड़ा सा। यहाँ पे इसुजु डी मैक्स की बैजिंग है। यहाँ पे जो है वेरियंट की बैजिंग है जेड और 2.5 यानी कि 2.5 लीटर का डीजल इंजन इसमें हमें नजर आता है। पार्किंग सेंसर है, दो ही पार्किंग सेंसर हमें नजर आते हैं। और यहाँ पे जो है रिवर्स पार्किंग कैमरा भी देखने को मिलेगा, ये कुछ इस तरीके से खुलता है, काफी भारी है। यहाँ पे हमें एलईडी टेल लैंप्स नजर आते हैं, हालांकि ये वाला पार्ट सिर्फ एलईडी है। और यहाँ पे जो है आपके पास इंडिकेटर और रिवर्स लाइट बल्ब बेस देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपके पास रिफ्लेक्टर नजर आएंगे और ऐसा सच कुछ भी नहीं है। एक बार प्रोफाइल दिखा देता हूँ आपको। अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और चाबी की बात करूं तो कुछ इस तरीके की चाबी है। यहाँ पे सुजु लिखा गया है। यहाँ पे जो है आपके पास लॉक अनलॉक का बटन है। कोई भी रिक्वेस्ट सर जैसी चीज है उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया है जिसकी जरूरत हमें काफी ज्यादा पड़ती है। यहाँ से बात करें तो यहाँ आपको जो है
चारों ही पावर विंडोज के कंट्रोल देखने मिलेंगे, और ड्राइवर साइड वाला जो है ऑटो अप डाउन है, यहाँ पे क्रोम डोर हैंडल्स मिलेंगे, और यहाँ जो है पियानो ब्लैक फिनिश आपको नजर आती है। हालांकि है सारा का सारा सॉफ्ट हार्ड टच ही सॉफ्ट है, जिसमें आपको कुछ भी नहीं देखने मिलेगा। यहाँ पे जो है लॉक अनलॉक का बटन आएगा, एक जो है विंडो लॉक है, यहाँ से लॉक अनलॉक आप कर सकते हो। यहाँ जो है कुछ भी ट्विटर्स वगैरह नहीं आते, हालांकि स्पीकर हमें जरूर नजर आते हैं। एक बार मैं लाइट्स ऑन कर लेता हूँ गाड़ी की। यहाँ पे हमें जो है थोड़ी थोड़ी पियानो ब्लैक की फिनिश दी गई है, हालांकि ये जो है कमर्शियल वेरिएंट है, स्टिल हमें जो है इसमें पियानो ब्लैक नजर आता है, जिससे कि थोड़ी सी सुंदर इसमें हमें इंटीरियर्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ की बात करें तो यहाँ आपको एक कप होल्डर भी देखने को मिलेगा, जो कि कुछ इस तरीके से खुलता है। यहाँ एसी वेंट्स है, जिसका फ्लो आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। नीचे जाओगे तो यहाँ और भी हम इसके कंट्रोल देखने मिलेंगे, और ये जो है हेडलाइट लेवलर आपको देखने को मिलेगा। अब जो है एक बार ऑन कर लेते हैं इसको। कुछ इस तरीके की जो है एनिमेशन आती हैं स्टार्टिंग में। और स्टेयरिंग व्हील की बात करूं तो स्टेयरिंग व्हील जो है कुछ इस तरीके का, फ्लैट बॉटम वगैरह कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सा स्टेयरिंग व्हील है, जो कि लेदर रैप्ड आपको नजर आता है। बीच में सुजुकी बैजिंग है, कोई क्रूज कंट्रोल नहीं है, यहाँ पे सारे के सारे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए गए हैं। और इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको जो है लेफ्ट हैंड साइड में टैकोमीटर नजर आता है, राइट हैंड साइड में स्पीडोमीटर नजर आएगा। बीच में जो है आपके पास काफी सारी चीजें नजर आएंगी, जैसे कि हम आगे चलें तो यहाँ पे आपको लेवल वगैरह दिख जाते हैं। आगे चलोगे तो यहाँ पे आपको एड ब्लू का लेवल दिख जाएगा, रेंज दिख जाएगी कितना चलेगी अभी, यहाँ पे जो है DEF का लेवल दिख जाएगा, और जो है आगे चलोगे तो यहाँ पे आपकी रेंज आ जाएगी कि कितने डीजल में अभी कितनी चलेगी। यहाँ पे जो है स्पीड वगैरह और डिस्टेंस वगैरह आएगा, यहाँ पे जो एवरेज स्पीड आएगी, ऐसी कुछ चीजें इसमें हमें नजर आती है। और यहाँ से एंड में जो है आप यहाँ से मोड सिलेक्ट करके इसकी सेटिंग्स में आप जा सकते हो, जिसके लिए आपको जो है यहाँ पे क्लिक करके रखना पड़ेगा। यहाँ पे भी एक बटन है और यहाँ पे भी एक बटन है, यहाँ से आप लेफ्ट टर्न करोगे, जैसे कि अभी यहाँ से हो रहा है, और इसको दबाओगे तो आप यहाँ से आप राइट जा सकते हैं, जैसे कि अभी हो रहा है, और इसको दबा के रखोगे तो आप जो है वो यहाँ से आप सेटिंग्स में एक्सेस कर सकते हो। और कुछ नहीं है MID में। यहाँ पे टेम्परेचर गेज है, यहाँ पे जो है फ्यूल गेज आपको नजर आएगा, बीच में टेम्परेचर आ रहा है, ऊपर टाइम आ रहा है, और ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो है वाइपर का स्टॉक है, इधर जो है हेडलाइट का स्टॉक है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स नहीं है, ना ही आपको ऑटोमेटिक वाइपर्स देखने को मिलेंगे। ये जो है बहुत ही बेसिक सी इनकी स्क्रीन है, 0.5 पे करें। वैसे तो ये आफ्टर मार्केट स्क्रीन है, इसुजु की नहीं आती है इसमें, और इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसी चीजें मिल जाती हैं। मैनुअल AC आपको नजर आता है। नीचे आओगे तो 5 स्पीड का आपके पास गियर बॉक्स है, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको एक छोटी मोटी चीज नजर आती है, जैसे कि एक 12V का सॉकेट आपको सिगरेट लाइटर वगैरह टाइप नजर आएगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हैंड ब्रेक लीवर है, यहाँ पे आपके पास 2 कप होल्डर नजर आएंगे, एक आर्म रेस्ट है, ये जो है हालांकि प्लास्टिक है इस पे, और काफी बड़ा सा ये आपके पास मिलता है। सीट जो है वो फैब्रिक की नजर आती है, और यहाँ पे भी आपके पास एक कंपार्टमेंट दिया गया है, ग्लोव बॉक्स, जो कि मेरे ख्याल से नहीं, यहाँ पे जो है इसके अंदर एक 12V का सॉकेट दिया गया, और नीचे भी एक जो है आपके पास ग्लोव बॉक्स देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक हैजर्ड लैम्प का स्विच है, यहाँ थोड़ा सा कभी स्पेस दिया गया है। यहाँ पे चलोगे तो यहाँ पे आपके पास एक डे नाइट वाला मैनुअल ORVM दिया गया है, ऊपर जो है आपके पास सनग्लास होल्डर है, यहाँ पे आपके पास हेलोजन लैम्प है, जो कि आप सिंगल जला सकते हो और डोर पे भी जला सकते हो। यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, प्लेन मिलेगा। इधर आओगे तो आपके पास एक वैनिटी मिरर देखने को मिलता है, लाइट्स जो है आपको यहीं से यूज करनी पड़ेगी, और जो है सच यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब गाड़ी के पीछे चलते हैं, यहाँ पे कभी स्पेस आपको ऑन ऑफर होता है। और सीट्स की बात करूँ, हाँ नीचे जो है यहाँ से बोनट खोल सकते हो, यहाँ से जो है आप फ्यूल लिड खोल सकते हो, और स्टेयरिंग व्हील जो है वो टिल्ट एडजस्टेबल है, टेलीस्कोपिक नहीं है। ग्रैब हैंडल जो है यहाँ पे दिए गए हैं, और उस साइड भी दोनों है, इस साइड जो है एक है। यहाँ दिखाता हूँ आपको, और डोर्स की बात करें तो यहाँ पे एक लीटर का बॉटल स्पेस है, और यहाँ पे जो है मैगजीन होल्डर दिया गया है, यहाँ पे आप लंबा सपोर्ट वगैरह आगे पीछे कर सकते हो, ज्यादा एडजस्टमेंट इसमें नहीं दी गई है। हेडरेस्ट जो है वो हालांकि एडजस्टेबल आपको नजर आते हैं। और सीट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टेबल सीट्स देखने को मिलती है। पीछे चलते हैं, अभी जो है सीट ऑल द वे पीछे है, और स्टिल इतना अच्छा खासा स्पेस उसमें हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें मैगजीन होल्ड पॉकेट्स देखने को मिल जाएंगी। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे जो है सच कुछ भी नहीं दिया गया, और यहाँ पे जो है 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। चार्जिंग वगैरह का कोई भी सिस्टम इसमें
हमें नहीं दिया गया। यहाँ पे ग्रैब हैंडल है हुक के साथ और यहाँ पे हमें एक लाइट मिल जाती है जो कि हेलोजन ही है। हेडरेस्ट की बात करें तो वो चार एडजस्टेबल है, बीच वाले के लिए हेडरेस्ट नहीं है और बीच वाले के लिए थ्री पॉइंटर सीट बेल्ट भी नहीं मिलेगी, नॉर्मल लैप बेल्ट आपको नजर आएगी। डोर्स की तरफ आओगे तो डोर्स में आपको इसमें इल्यूमिनेशन नहीं मिलेगी, हालांकि ये कुछ जो है सब कुछ सेम है आगे जैसे ही और ना ही हार्ड टच है। नीचे देखोगे आप तो यहाँ पे जो आपको 1 लीटर का बॉटल स्पेस और साथ में थोड़ा सा स्पेस देखने को मिलेगा। स्पीकर की बात करूँ तो चार स्पीकर इसमें हमें नजर आते हैं। सीट जो है इसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते, एडजस्ट नहीं कर सकते पीछे वाली सीट को। रिक्लाइन एंगल देख लेते हैं एक बार, रिक्लाइन एंगल आप सेट कर सकते हो क्योंकि काफी ज्यादा अपराइट है, तो रिक्लाइन एंगल भी जो है आप इसमें सेट नहीं कर सकते। अगर हम हाइट का देखेंगे तो अभी मैं जो हूँ 5 फुट 7 इंच का हूँ और कुछ इतना ज्यादा स्पेस मुझे यहाँ पे हाइट में मिल रहा है। और अब एक बार आपको बूट दिखा देता हूँ क्योंकि बूट तो इसमें है नहीं, पीछे आपको कंपार्टमेंट नजर आता है। कुछ इतना जो है इसमें कंपार्टमेंट है, स्पेस की बात हम जो है बाद में करेंगे, जो नंबर होंगे मैं ऊपर स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। अब एक बार आपको जो है इंजन दिखा देता हूँ, इंजन पे दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। काफी भारी है बोनट इसका। और डी इंजन की बात करें तो काफी यहाँ पे आपको भरा भरा नजर आएगा, इंटरकूलर टर्बो डीजल इंजन इसमें हमें देखने को मिलता है जो कि लगभग 2.5 लीटर का डीजल इंजन है। और पावर की बात करूँ तो लगभग 78 BHP निकालता है और साथ में जो है लगभग 178 Nm का टॉर्क निकालता है। यहाँ पे टर्बो चार्जर्स वगैरह लगे हुए हैं जो कि आप देख सकते हो, 4 सिलेंडर का, ये अच्छी बात है, वाइब्रेशन जो है काफी कम होगी, BS6 II कॉम्प्लियंट है। तो ये कुछ था इसुजु डी मैक्स के बारे में। ये जो है अभी कमर्शियल वेरिएंट है, इसका जो है प्राइवेट वेरिएंट एक अलग आता है और कमर्शियल वेरिएंट में भी टॉप वेरिएंट बेस वेरिएंट इसमें आते हैं। ये जो है टॉप वेरिएंट है, इसकी कीमत की बात करूँ एक शोरूम जो कीमत है इसकी वो लगभग 15,50,000 रुपये है। मैं जो हूँ अभी फरीदाबाद वाले इसके शोरूम में खड़ा हूँ जो कि है पैरामाउंट ऑटोटेक प्राइवेट लिमिटेड। एड्रेस और मोबाइल नंबर जो है मैं नीचे स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा और साथ ही में डिस्क्रिप्शन भी। और थैंक्स हमारे अरबाज भाई का जो हमारी वीडियो में हेल्प करते हैं हमेशा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के लिए कुछ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड टिल देन ड्राइव सेफ।